महाराज एक बार पूछते हैं कि आप भगवान को मित्र बनाने के लिए कह रहे हैं, जब भी सुख आता है जब तो लगता है कि भगवान ने हमें दिया, मगर जब दुख आता है तो मन हमारा चटपटा जाता है और ये ख्याल नहीं होता कि भगवान हमारा मित्र है। क्यों? तो भगवान को देख नहीं सकते हैं, उनका अनुभव नहीं कर सकते हैं और वो सुख और दुख में ये खास करके दुख उनकी कोई कृपा सबको मिला वो भी महसूस नहीं होता है, तो इनके लिए हमें क्या करना है जो कृपा करके होता है। हमने एक पहले कहानी सुनी थी कि मित्र कहीं यात्रा कर रहे थे जंगल में, तो जंगल में सोने की जगह नहीं थी और सो जाने पर कोई जंतु आवे, जानवर आवे, काट जाए, तो बारी बारी से उन्होंने सोने का निश्चय किया। अब एक मित्र सोया, दूसरा जग रहा था, एक सांप आया पंख उठाता हुआ। जागते हुए मित्र ने कहा, कह वो बोला, नहीं इसने हमको पहले चोट पहुंचाई है, रक्त निकला है, मैं तो इसका खून लूंगा, मैं तो इसका खून पी के जाऊंगा। मित्र बोला कि तुम्हें खून के बदले खून चाहिए कि खून की इसके शरीर में हो लगा रहा है? बोले हमको तो खून चाहिए। उसने अपने जेब में से चाकू निकाला और जो सूर्या हुआ मित्र था उसके कहने पर लगाया, पत्ते पर खून निकाल के और सांप के सामने रख दिया। मित्र की नींद टूट गई। जागने पर मित्र ने पूछा, क्यों भाई, जब मैं तुम्हारे गले पर चाकू लगा रहा था तो कैसा लगा? उसने कहा, लगा क्या, ये देखा कि चाकू तो मेरे मित्र के हाथ से है, चाकू मेरा क्या बिगाड़ सकता, कहीं न कहीं मेरा भला होगा, तभी तो मेरे मित्र ने चाकू दे रखा है आपने। फिर नींद आ गई तो मित्र ने अपने मित्र के गले पर चाकू क्यों लगाया? उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए। भगवान की ओर से दुख आता है इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु वो दुख ऐसे ही आता है जैसे हमारे पास जब छोटे थे तो हमारे शरीर में उल्टा लगा थी, उस समय ये सब साबुन आबुन इतने नहीं होंगे, शायद साबुन तो हमारे घर में जाता ही नहीं था, साबुन का निषेध था। उन दिनों में लोगों का ख्याल था कि साबुन में न जाने क्या क्या परेशानी चाहिए होती है, धोबी के घर से धो के जो कपड़ा आता था उसको भी ऐसे नहीं पहना जाता था, पहले तो धोया करते थे उसको, पर थोड़े दिनों के बाद जब धोना बंद हो गया तो गंगा जल उस पर छिड़क के तब पहनने लगे। जब माँ उठा लगाती थी तब मैं रोता था, गर्म पानी से नहलाती थी तब रोता था, परंतु माँ जो उठन लगाती थी वो हमारी सफाई के लिए, जो गर्म पानी से नहलाती थी सो सफाई के लिए। आपको यदि हम भयंकर भयंकर कथा सुना दें, यदि हर कोई उड़ीसा भाषा के जानकार हो तो उड़िया भाषा में एक दाक्षता भक्ति नाम की पुस्तक है, दाक्षता भक्ति उड़िया भाषा में 56 कथाएं है उसमें संपूर्ण, और महाराज भगवान ऐसी ऐसी सांसद देते हैं भक्तों को और बाद में उनके ऊपर ऐसी कृपा करते हैं स्वयं मिल जाते हैं। तो ये जो दुख आता है वो ऐसे ही है जैसे आपके शरीर में मैल लग रहा हो, छूटता न हो तो उसको जोर से बल के या गर्म पानी डाल के या साबुन से धुलाते हैं। हम लोगों के घर में जब बर्तन उठता जूठा कर जाता था, यहाँ के लोग माफ करें क्योंकि यहाँ तो मैंने ऐसे भी देखा है, लेके एक बार कुत्ते के मुंह में, एक बार अपने मुंह में, एक बार अपने मुंह में, एक बार कुत्ते के मुंह में, ऐसा भी देखा है। तो मुंबई तो भाई हम लोगों के घेरे से परे है, तो हम लोगों के घर
डाल जाए हमारे बर्तन में, उसको आग में डाल के और शुद्ध करते हैं। तो जिस जीव के साथ ऐसा कचरा ऐसा मैल जुड़ गया है तो उसको घोर नरक में जाना पड़ सकता है। उसको भगवान थोड़ा सा दुख करके उसकी सफाई कर देते हैं, साफ कर देते हैं। उस दुख में भी कृपा होती है। वो दुख भी चमकाने के लिए दिया जाता है। बच्चों को लगता है कि माँ बाप हमारी प्रार्थना का विरोध करते हैं, मामा के घर जाकर लड़के बिगड़ते हैं, बाप के घर जाके लड़के बिगड़ते हैं, बहन के घर जाकर लड़के बिगड़ते हैं, सहेलियों के घर जाकर सहेलियां बिगड़ती हैं, क्योंकि घर के लोग उनकी वासना का विरोध करते हैं तो वे अच्छे नहीं लगते हैं। और दूसरे के लोग जो है वो उनकी वासना का विरोध नहीं करते हैं इसलिए उनको वे बहुत अच्छे लगते हैं। तो जब तक ईश्वर दुख नहीं देगा, सुख ही सुख देगा, लोग ईश्वर को मर नहीं छोड़ देंगे। इतना इसलिए दुख के अंत में सुख आता है, सुख के अंत में दुख आता है। भगवान दिखाते रहते हैं ये तुम्हारे बस में नहीं है, ये मेरे बस में है और तुम्हारी अच्छाई जिसमें है। जैसे जागने के बाद सोने के लिए रात देते हैं, रात के बाद जागने के लिए दिन देते हैं, सोना जागना दिन जीवन के लिए दोनों आवश्यक है। इसलिए सुख और दुख जीवन के लिए दोनों आवश्यक है। आप विश्वास कीजिए, मैत्री कीजिए भगवान से, दूसरे से मित्रता करोगे भूखा खाओगे तुम्हारा धर्म बिगाड़ेगा, तुम्हारे जीवन को नष्ट करेगा, तुम्हारी जवानी को भोग की चौपट कर देगा। इसलिए विश्वास करना है तो भगवान का विश्वास करो और हर क्रिया में देखो कि इसमें भगवान कैसे हमारा भला करता है। हनुमान प्रसाद जी एक कहानी सुनाया करते थे। राजा को तलवार का बड़ा शौक था और मंत्री को ये बोलने का अभ्यास हो गया था कि बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बहुत बढ़िया किया, नई तलवार देखते समय राजा का अंगूठा कट के गिर गया। मंत्री बोला बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने भला किया। राजा को आया क्रोध, चालो इसको जेल में। मंत्री ने कहा बहुत भला, ईश्वर ने बड़ी कृपा की, अच्छा हुआ जेल में चला गया। राजा का अंगूठा जब अच्छा हो गया घूमने के लिए गए, डाकुओं ने पकड़ लिया। बलिदान के लिए जब देवी के सामने खड़े किए गए तो पुरोहित ने कहा इसके तो अंगूठा ही नहीं है, छोड़ दो, ये बलि देने योग्य नहीं है, अंग भंग बलि तो हो चुकी है। जाने पहले भगवान ने तो हमारा अंगूठा काट के बहुत बढ़िया किया और गला बच गया। सचमुच भगवान ने बहुत अच्छा किया। अब वो गए महाराज मंत्री के पास, जेल में गए छुड़ाने के लिए। बोले मंत्री जी मेरा अंगूठा कट के तो बहुत भला हुआ, आपके जेल में आने से आपका क्या भला हुआ, भगवान ने क्या अच्छा किया। बोले महाराज मैं आपके साथ होता मेरा भी गला कट जाता, अंगूठा कटने से आपका भला, जेल में जाने से मेरा भला। आप जिसको दुख समझते हैं वो दुख नहीं है, वो आपकी समस्या है। जुकाम होता है शरीर का बैल निकाल फेंकने के लिए, बुखार आता है शरीर की गर्मी शांत करने के लिए, संयोग वियोग होता है हमारी सहिष्णुता हमारी तितिक्षा बढ़ाने के लिए। आप जहां भी देखेंगे जिसको आप दुख समझते हैं उसको भगवान की ओर से बहुत सुख आता है। क्या है आपका, माँ के पेट में से निकले थे नंगे, कपड़ा तक तो नहीं था, चार पैसा भी तो अपने साथ नहीं लाए, और अब आप भगवान को उलाहना देने लगे, बीच में कितना दिया कितना दिया, अब ईश्वर को उलाहना देते। ईश्वर आपका सच्चा मित्र है। एक बात आपको सुनाता हूँ, एक बार हमको हंसी आई, बहुत बरस की बात है, 50-55 बरस की बात है।
ऐसी हंसी आई जो मेरे रोके तक गए, हंसते 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 आंख से आंसू गिरने लगे, शरीर थकाने लगा और मैं हंसता जाऊं तो मेरे एक मित्र थे अभिजीत राठौर, उनका नाम है सुदर्शन सिंह जी का, वो मेरे साथ ही रहते थे 10-20 वर्ष तक मेरे साथ। ऐसा करके चाटा मारा मेरे काल कि शरीर तृष्ण आ गए और जब मेरी हंसी बंद हो क्या उन्होंने मेरे साथ कोई अन्याय किया, उसे दुख दिया नहीं, मुझे तो सब तुरंत समझ में आ गया कि मुझे मरने से इतने बचा दिया, नहीं तो मैं हंसते हंसते मर ही जाता। ये जो आपके घर में ज्यादा पैसा आता है, ज्यादा स्त्रियां आती है, ज्यादा इज्जत मिलती है, ज्यादा कुर्सियां आती है, आपको ये सब सुख देंगे, इनको छीन लेना भी जरूरी होता है और उसमें भी आपका हित होता है। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए जो आपका सच्चा मित्र है और आपका जैसे भला हो, कड़वी दवा पिला के भी भला करता है, मीठी दवा पिला के भी भला करता है। महाराज ये भाई पूछते हैं कि आपके हजारों शिष्य है और हम लोग आपको आपके चरणों में बैठ करके सस्ती जीवन बिता रहे हैं, कृपा करके हमें समझाइए कि ग्रस्ताश्रम में रहते हुए भी हम आपके प्रति जो श्रद्धा और प्रेम रखते हैं उसके लायक कैसा हो सके। हम आपको यदि सच्चा गृहस्थ बनाना चाहते हो कि आप अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार रहिए, पति के प्रति ईमानदार रहिए, बेटी बेटों का ध्यान रखिए, निगम में मत करिए, परिश्रम कीजिए, कमाई कीजिए, धर्म में निष्ठा रखिए, ईश्वर पर विश्वास कीजिए, यदि हम आपको सच्चा गृहस्थ बनाते हो तो आप हमारे ऊपर विश्वास कर सकते हैं, और यदि हम आपकी घर गृहस्थी बिगाड़ना चाहते हो तो जरा सावधान नहीं रहना। ये साधु लोग आके जो घर में गड़बड़ी पैदा करते हैं वो बिल्कुल धर्म और शास्त्र के विपरीत है। घर गृहस्थी में गड़बड़ी बिल्कुल नहीं पैदा होनी चाहिए, अपने धर्म का बिल्कुल, अब किसी की पत्नी है महाराज अपने पति से प्रेम करती है, साधु जी ने उसको अपनी प्रेमिका बना लिया, अब वो घर देखती नहीं है, बारम्बार बाबा जी के पास, बारम्बार बाबा जी के पास, तो नारायण बाबा जी का एक कर्तव्य है नारायण जो उससे बच के रहे, जो अपने पति की नहीं हुई वो बाबा जी की थोड़े हुई। जो जूने वस्त्र हो गए तो शरीर को भी जूना हो गया, टूटा हो गया, वृद्ध हो गया, उनको छोड़ करके जीव और शरीर धारण करने के लिए जाता है, समझता है। जब समाज के साथ कभी कभी बहुत देखा जाता है, शरीर बहुत तंदुरुस्त होता है, कोई इसकी व्याधि नहीं होती है, मन भी बड़ा प्रफुल्ल होता है, भगवान के मार्ग में भी चलता होता हुआ है, और जुवानों के अंदर या छोटी उम्र से लोग चला जाता है, तो ये जिगड़ाने जो शब्द है उसका कैसा अर्थ बढ़ घटाना चाहिए उस प्रकार से बताए। बड़ी उच्च कोटि की साधना उसकी हो गई थी, एक दिन कोई महाराजा है उसका दर्शन करने गए, उनका वैभव स्वर्ग स्वसर अटोजी के मन में आया कि वह महवी राजकुमार होता तो मुझे इतनी सुख संपत्ति मिलती, राजकुमार होने की वासना आ गई थी, आई थोड़ी देर के लिए लेकिन उसी में उसकी मृत्यु हो गई, शरीर छूट गया। अब उसके बाद वो राजकुमार हो गया, उसके मन में एक तो दुर्गा विराज का संस्कार बहुत प्रबल था, राजकुमार होने की वासना बहुत थोड़ी देर के लिए आई पूरी हो गई, शरीर छूट गया। अब थोड़े दिनों में ही राजकुमार की मृत्यु क्यों हो गई, शरीर तो उसका बहुत तगड़ा था,
था सुंदर था, लेकिन उसके पूर्व जन्म की जो वासना थी वो तो बहुत थोड़ी सी थी। राजकुमार हुआ और वासना पूरी हो गई, इसका शरीर पूरा हो गया। तो ये जो शरीर हमारा वस्त्र जीर्ण हो गया, ये मैं तो शरीर के लिए देखा है, वासन से जीर्णा जैसा भी है, मराती नरोप है तथा शरीराण विहाय जीर्णाण अन्य संध्यादी प्रवाद से खूब आप जीर्ण शब्द का प्रयोग कर दिया, कपड़े के लिए और शरीर के लिए खुश। तो कपड़े की जीर्णता होती है, जीर्णता माने जीर्ण शीर्ण हो गया, पुराना पड़ गया, हट गया, टूट गया। और शरीर की जीर्णता होती है दूसरी, जिस वासना से उस शरीर का जन्म हुआ है उस वासना का पूरी हो जाने ही उसकी जीर्णता है। जब तक उसका कर्म था, जब तक उसकी वासना का भेद था, तब तक उसका शरीर रहा, वासना का भेद पूरा होने पर उसका शरीर छूट गया। इसलिए यहाँ सूक्ष्म शरीर में जो वासना का भेद था वो सड़ गया, वो पुराना पड़ गया, वो जड़ हो गया। इससे बच्चे का भी शरीर छूटता है और जवान का भी शरीर छूटता है। लोक दृष्टि से जो उम्र है वो उम्र मनुष्य के मरने जीने में नहीं मानी जाती है, इसी से कपड़े की उम्र दूसरी है, वासांसी जीर्णा है, और मनुष्य के शरीर की उम्र दूसरी है, वो वासना की जीर्णता है, वासना का बुढ़ापा है। जीर्णता माने बुढ़ापा, कपड़ा बूढ़ा हो गया, लेकिन भाई अब वो समय छूट गया। हम ऐसे लोगों को जानते हैं जिनके घर में 500-500 साड़ियां एक एक स्त्री के लिए रखे हुए, खरीदने के बाद एक बार पहनते हैं, दूसरी बार पहनने का नंबर ही नहीं आता है। तो उनके घर में तो एक बार पहनने से ही साड़ी जीर्ण हो जाती, पहनने वाली देवी जी तो हमेशा जवान रहती है, लेकिन साड़ी तो एक दिन पहनने के बाद ही पुरानी हो जाती है। बल्कि मैंने तो देखा है दिन भर में 12-12 साड़ी तक लोग बदल लेते हैं, पुरानी पड़ती जाती है, उसको रखते जाते हैं। तो आप जीर्णानी शब्द का जो अर्थ है वो आधुनिक युग में जैसे साड़ी बदलते हैं आपको वैसा समझ लीजिए पुराने युग का नहीं। महाराज जी ये भाई पूछ रहे हैं कि भक्त को भगवान को तन मन और धन से पूर्ण रूप से समर्पित कैसे हो सकता है, कृपा आपके पास 24 घंटा है, उसमें से पहले समय समर्पित कीजिए 5 मिनट। और पूर्ण समर्पण की बात पांच मिनट दीजिए, 25 मिनट दीजिए, 55 मिनट दीजिए, 59 मिनट दीजिए, 61 मिनट दीजिए। जरा उसमें सावधानी दे दिए हो, 60 मिनट में तो घंटी बज जाएगी, यानी घंटी न बजे और आप सावधान रहे 59 या 61 से रहे। मन की सावधानी सबसे ऊपर है। अच्छा आपके घर में जगह तो होगी ही होगी, कुछ न कुछ कम से कम 5-6 फुट तो सोने के लिए रखते हो, और जगह न हो तो अपने सिर आने कोई आधा फुट की जगह भगवान के फोटो के लिए दे देते दे। और बड़ी गौर देते चले। अच्छा खाते पहनते तो होंगे ही होंगे, तो आप जो भोजन करते हैं
उसको पहले भगवान के सामने रख के तुलसी डाल दीजिए कि भगवान को समर्पित किया है। कपड़ा पहले पहनना हो तो भगवान के सामने रख दिया, हाथ से कुछ लिखना पढ़ना हो तो पहले भगवान का स्मरण कर लीजिए, चलना हो तो भगवान का स्मरण कीजिए, झूलना हो तो भगवान का स्मरण करके बोलिए, सोना हो तो स्मरण करके सोइए और जागना हो तो स्मरण करते हुए जागिए। ये तन मन धन का पूर्ण समर्पण जो है, आप पहले धन के समर्पण की तो बात सोचिए ही ना, नहीं तो कहीं समर्पण के बाद भी लौटा देंगे, बोला। आप अपने इस स्थूल शरीर की जो क्रिया है, चार चने रोज भगवान को अर्पित कीजिए। आजकल तो चार पैसा नहीं होता था, पांच पैसे का, दस पैसे का सिक्का रोज भगवान को समर्पित। पांच मिनट भगवान के लिए जीव से बोलिए, पांच मिनट भगवान का ध्यान कीजिए और उसको पहले दिन नहीं बढ़ाइए, आप हफ्ते में एक दिन बढ़ाने का, एक हफ्ते में एक मिनट, हफ्ते में एक मिनट बढ़ाने का प्रयास कीजिए। महीने भर में चार मिनट बढ़ेगा और 12 महीने में 50 मिनट के करीब पड़ जाएगा। धीरे 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 बढ़ाते चलिए तो देखिए आपका समर्पण पूरा हो जाएगा। और जो पहले दिन सोचते हैं कि हम 5-6 घंटा करेंगे, उनका लगता नहीं है, टूट जाता है। और एक बार लिया हुआ नियम जब टूट जाता है तो दूसरी बार उसको संभालना बड़ा कठिन पड़ता है। यथा ही मदिरैः वस्त्रैः यत्र तत्रोपविश्यते एवं चलित वृत्तस्तु वृत्त शेषम न रक्षते। जब आदमी मैला कपड़ा पहनने लगता है तो चाहे जहां बैठ जाता है उसको सफाई का ख्याल नहीं रहता। इसी प्रकार जब आदमी एक बार अपने दिए हुए नियम को, मर्यादा को तोड़ देता है तो दूसरी बार तोड़ने की उसको संकोच नहीं होता है। इसलिए आप अपने जीवन में जो भी नियम ले उसको धीरे धीरे बचाते चले और दृढ़ करते चले। कोई भी कष्ट हो, कभी भूखा रहना पड़े, कभी नुकसान भी हो जाए, कभी बीमार भी पड़ जाए, लेकिन अपने नियम का पालन करें। वो आपका नियम ही आपकी बीमारी को दूर कर देगा, आपका नियम ही आपके नुकसान को दूर कर देगा। नियम में बड़ी भारी शक्ति है। एक व्यक्ति को मैं जानता हूँ, बचपन से अब तक उन्होंने कभी दवाई नहीं खाई, स्नान रोज अपने हाथ से पानी खींच के कुएं से करते हैं। बुढ़ापा आ गया, मुझसे तो थोड़ी बड़ी उम्र है, लेकिन वो उतना नियम पूरा किए बिना अपने हाथ से पानी खींच के स्नान करना, कोई दवा नहीं देना, बुखार आ गया तब भी, और अपना भजन पूरा किए बिना नहीं खाना, उनका नियम चल रहा। और यदि आप खीर देंगे तो क्या होगा? हमारे एक मित्र थे अपने छत्री, उनके यहाँ शिकार भी होता था, बंदूक लेके जंगल में जाते थे शिकार करके। सब ब्रजवासी नहीं होते ना, सब और वासी आए तो उनके मन में आया कि जो मैं शिकार करता हूँ, मांस खाता हूँ,
वो अच्छा नहीं है। तो बोले शिकार खेलना तो बिल्कुल छोड़ दे, और मांस छोड़ने की प्रतिज्ञा की क्योंकि शुभ राज क्या हो, वो तो शिकार नहीं करते थे, उनके बेटे करते थे। जिस दिन चिड़िया मार के लावे, बत्तख लावे, हरिन लावे, मार के घर में बने पका के सामने रख दे और बोले कि तुम नहीं खाओगे तो हम लोग कोई नहीं खाएंगे, झूठ मूठ हो धमका दे। तो बोले अच्छा भाई चलो आज खा लेते हैं लेकिन अगली बार नहीं खाएंगे। अब हर बार यही हो कि अगली बार नहीं खाएंगे। तो नियम पालन करने में जहाँ ढिलाई आ जाती है, शिथिलता आ जाती है, वहाँ उसका निर्वाह नहीं होता। और जो कष्ट सह के और नियम पालन नहीं करता है, उसका नियम नहीं चल सकता है। जयदयाल गोयनका जी बताते थे उस समय कि 50 वर्ष हमको हो गया, ऐसा एक दिन भी नहीं बीता है जब मैंने सूर्य को अर्घ्य न दिया हो। रोज संध्या वंदन, घर में सूतक पातक हो गया तो बोले मानसिक अर्घ देने का तो सूतक पातक में भी विधान है। अच्छा बोले कि जब पानी नहीं मिला तो हाथ में दोनों हाथ में बालू उठा के और उसका अर्घ्य दे दिया। क्यों तो बालू में भी तो पानी होता है, नहीं तो कण कैसे होता। अपने नियम का पालन मैंने 50 वर्ष से लगातार संध्या वंदन का किया है, जब से यज्ञ पवित्र हुआ तब से अब तक ऐसे हुए बोल सकते। एक बड़े सेठ नारायण, उनके पास डॉक्टर आते थे, जांच करते थे शरीर की, दवा देते थे नुस्खा, और दवा बाजार से मंगाई जाती थी, खाते नहीं रखते थे। उनसे किसी ने पूछा कि आपने डॉक्टर क्यों बुलाया, इसलिए कि डॉक्टर को पैसा मिले उसके जीविका चले, तो बाजार से दवा क्यों मंगाई, तो बेचने वाले को कि जीविका चले उसको फायदा हो, डॉक्टर के जीने के लिए डॉक्टर को बुलाया, केमिस्ट को जीने के लिए दवा मंगाई, और स्वयं खाया क्यों नहीं का अपने जीने के लिए। हमारा नियम है कि हम दवा नहीं खाएंगे, तो अपने जीने के लिए दवा खाएंगे तो जल्दी मरेंगे। तो अपने नियम का दृढ़ता के साथ पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य में ढिलमिल नहीं होना चाहिए। अपने गृहस्थाश्रम में जैसा ब्रह्मचर्य उसके अनुसार पालन करना चाहिए, और भी देने में सारे काम बाबा बिना विवेक किए स्वीकार किए गए। देख देख के लोगों को खाना खाने लग गए, जिसके घर में जैसा खाया जाता है, देख देख के करने लग गए, सुन सुन के बोलने लग गए, और महाराज अपने बाप को झूठ बोलते देख कर झूठ बोलने लग गए। विवेक से तो कोई आचरण अपने जीवन में स्वीकार किए ही नहीं गया। यदि आप विवेक और विचार से अपने जीवन में कोई आचरण स्वीकार करें और नियम पूर्वक उसका पालन करें, तो देखो उसमें क्या चमत्कार आता है, वो क्या चमत्कार आता है। महाराज जी एक बात पूछ रहे हैं, शास्त्रों में और संतों ने ओम का बहुत बड़ा महत्व बताया है, मगर बहुत संत लोग कहते हैं कि ओम का जो उच्चारण है या उसका जो जप है, दृष्टियों को इकला नहीं करना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या है मुझे पता नहीं करवा। देखो हम भी न करने वालों की पार्टी में पहले कि गृहस्थों को अकेले ओंकार का जप नहीं करना चाहिए। अब यदि किसी को बहुत शौक हो करने का तो उसको आर्य समाज का सदस्य हो जाना चाहिए, फिर कोई रोक नहीं। और गायत्री पटोभूमि श्री राम शर्मा के चेलों में उसको शामिल हो जाना चाहिए।
तो अब देख लो थोड़ी सी बात इसकी सुना देते हैं। मंत्रों के साथ तो आप कीजिए, संरक्षण के साथ कीजिए, मंत्राक्षर के साथ कीजिए, राम मंत्र के साथ कीजिए, उसमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। मंत्राणाम प्रणव से तो एक मंत्र से दूसरे मंत्र पर जाने के लिए जैसे राम ओम राम ओम सा, तो राम दो हो जाएंगे यदि बीच में प्रणव होगा। पर ये विधि विद्या ये है कि आ जो है वो जागृत अवस्था का बात करते हैं, विश्व वैश्वादर उसके अर्थ है, और उकार जो है वो स्वप्नावस्था और तेजस ग्रहण कर्म का बात करते हैं, और मकार जो है वो सुषुप्ति अवस्था और प्राग ईश्वर का बात करते हैं। तो जब हम इस मंत्र का जप शुरू करते हैं तो जागृत अवस्था के विश्व वैश्वानर तेजस्वी रणगर्भ में और स्वप्नावस्था के तेजस्वी रणगर्भ सुषुप्ति अवस्था के प्राग ईश्वर में लीन हो जाते हैं, और उसके बाद जो अमात्र है हमारे प्रणव से भी परे की जो वस्तु है पूरी है उसके बोध की योग्यता आ जाती है, अनुभव की योग्यता आ जाती है। तो ये लय करने वाला मंत्र है, वो लय करने वाला, और गृहस्थों को अभी पूरा लय नहीं करना है, उनको अपना विस्तार रख दिया है, धन दौलत भी रहे, बाल बच्चे भी रहे, शरीर भी रहे, उनको एकाएक अपनी सृष्टि का प्रलय तो नहीं करना है ना। इसलिए सन्यासी लोग जो है वो केवल प्रणव का जप करते हैं, क्योंकि उन्हें प्रपंच का सृष्टि का लय करना होता है। इसलिए शास्त्र के अनुसार प्रणव का जप तीनों आश्रम में अकेला नहीं है, ब्रह्मचर्य में, गृहस्थ आश्रम में और वानप्रस्थ में, केवल संन्यासाश्रम में ही अकेले प्रणव का जप किया जा सकता है। अब यदि कोई ये बात तो हुई हमारी जिस पार्टी में हम हैं उसकी हो, तो ईश्वर की कृपा से नरसिंह तापनी उपनिषद में सावित्री यजुहु प्रणव गायत्री यजुर्वेद मनवेद सेवन प्रणव, इनका उच्चारण जो पवित्रधारी लोग कर सकते हैं। इस मंत्र की व्याख्या में शंकराचार्य भगवान ने बड़े विस्तार से समझाया है। विष्णु सहस्त्र नाम में भी पहले तो आता ही है प्रणव, ओम विश्व विष्णु प्रसक्ता रहा, तो उसके बारे में भी शंकराचार्य का कहना है कि बहुत सावधान रह के सबके साथ ही बोलना चाहिए, अकेले उसको नहीं बोलना चाहिए। तो इस तरह शास्त्रों में आता है, सो मैंने आपको सुना दिया। अब ये है कि हमको दोनों पक्ष की बात मालूम है, आप जो सुनना चाहो वो हम सुना दें। एक बार क्या हुआ, वृंदावन में एक बाबा हितदास जी रहते हैं, उनका हित आश्रम है, और शेख जयदयाल जी जो इनका दोनों में विवाह हो गया। शेख जयदयाल जी का कहना था कि स्त्री को मंत्र नहीं देना चाहिए, और हितदास जी का था देना चाहिए। तो बाबा हितदास जी मेरे पास आए, कल शास्त्रार्थ होना है, खुले मंच पर हमारा और उनका आप बता दीजिए कि कहाँ कहाँ स्त्री को मंत्र देने का विधान है। तो मैंने कोई 20-25 जगह से शास्त्र मित्र बता दिया कि है विधान। अब महाराज रात को जब ये बात जयदयाल जी को मालूम हुई, तो राम सुखदास जी देवदास जी जयदयाल जी तीनों आए, बोले हमको बताइए कहाँ कहाँ देने का मना है। तो मैंने 20-25 जगह उसको भी बता दिया। देखो भाई, हम किसी पार्टी के नहीं,
किसी संप्रदाय के हैं, दुनिया के सब संप्रदाय हमारे हैं। जैन लोग भी तो ऋणों का जप करते हैं, वो लोग ओम नमो हरिहंता नाम ओम नमो सिद्धारम ऐसे बोलते हैं। बौद्ध लोग भी करते हैं ओम मणि पद्मे ओम ओम सर्वंगच्छामि ओम बुद्ध सर्वंगच्छामि ओम सर्वम सर्वंगच्छामि। मुसलमान लोगों के यहां भी एक आमीन है तो नारायण। अच्छा, सिखों में तो है ही है, उसका तो ग्रंथ ही एक ओम का सदगुरु प्रसाद से शुरू होता है। तो क्या दृष्टिकोण है करने में और क्या नहीं करने में, ये हम आपको सुना सकते हैं। और जब आप हमसे अपने बारे में पूछे तब वो अलग होगा, और सामूहिक सामाजिक रूप से पूछना, जो लोग मानते होंगे है ना वो बुरा भला कहेंगे हमको, जो नहीं मानते होंगे वो बुरा भला कहेंगे। तो ऐसा विवादास्पद प्रश्न और सभा में लाने की कोई जरूरत नहीं है। पूरी के शंकराचार्य बहुत नाराज होंगे अगर सुनेंगे कि स्वामी जी ने कह दिया कि सबको जप करना चाहिए है? और नारायण और रजनीश जी है और क्या नाम है राम शर्मा जी है और आज समाजी लोग हैं, कहेंगे बिल्कुल दंगिया रूपी होगा पक्षी है। अभी तक इतने संकीर्ण विचार है कि लेने को मुझे करता है। तो नारायण हमको काय को इस झगड़े में डाल दे। अच्छा, आप कहो तो एक निर्णय की बात आपको सुना देते हैं, वो ये है कि आपके गुरु ने आपको जैसा बताया हो वैसा आप करते जाइए, उसमें हमको कोई आप रखे। भाई जी एक बार पूछते हैं कि इधर रामचरित मानस के ऊपर कथा चल रही थी, उसमें बहुत सारी बातें ऐसी आती है जो मन में शंका खड़ी कर देती है। रामशबरी की बात आई, 10,000 वर्ष तो उसने तप किया, वैसी बहुत सारी बातें आती है तो इसका क्या 10,000 वर्ष तो उसने तप किया और इतनी बड़ी उम्र हुई उसके ऊपर पका डाले कर प्रकाश को डाल देते हैं। प्रकाश डालने में हमको कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जो कथावाचक कोई बात कहे ना तो उसकी बात अगर आप उसी से पूछ लें तो वो बहुत अच्छा रहता है। अब दूसरे से पूछोगे पता नहीं उस कथावाचक ने आपको क्या कहा है क्या बताया है, एक खटका आपके मन में भी आवे और यदि कथावाचक के विरुद्ध हो तो ये हुआ कि उन्होंने तो तुम्हारा खंडन कर दिया। अच्छा, आप ये देखो कि स्वयंभुव मनु ने शत्रुपा ने 27,000 वर्ष तक तपस्या की, लखन 27,000 वर्ष तक बड़ा भारी हुआ जी, जिसकी उम्र 100 वर्ष से कम है उसके लिए 27,000 वर्ष तो बिल्कुल असंभव है। लेकिन जिसकी उम्र 71 चतुर्युगी है अर्थात 44,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी और इसकी 71 गुना जिसकी उम्र है, उसकी उम्र में 27,000 वर्ष 5 मिनट भी नहीं हुआ, कितना आसान है कितना सरल। अच्छा, सबरी की उम्र अगर एक चतुर्युगी है 44,00,000 वर्ष उम्र है सबरी की, तो उसमें से यदि उसने 10,000 वर्ष तपस्या की तो कितना होगा सोचो, तो 10 दिन भी तो नहीं होगा। तो उसकी उम्र को देखो और उसकी तपस्या की जो संख्या लिखी है वर्षों की उसके साथ मिलान करो तो वो बहुत नहीं है। आप असामान्य हो जाओ, आपकी उम्र
आप 10 वर्ष तक तपस्या करके बता दो। अच्छा 10 वर्ष नहीं भाई, 10 महीना सही, 10 महीना भी तो तपस्या करके बताओ। तो स्वयं तो 10 दिन भी नहीं करेंगे, 10 वर्ष भी नहीं करेंगे, और जो दूसरों के करने की बात आती है उस पर शंका करेंगे। शंका करने का कोई कारण नहीं है, हम तो शास्त्र की एक एक अक्षर एक एक पंक्ति की बात आपको सुना सकते हैं कि वो जिस दृष्टिकोण से कही गई है वो दृष्टिकोण आप समझिए कि वो किस दृष्टिकोण से कहा गया है। नारायण जब गिर पड़ते हैं तब पता चलता है कि हमको जो मना कर रहा था वो कितनी हित भावना से। एक दिन वो बच्चा था, मैं 10 वर्ष का, तो कुएं पर दोनों पांव कुएं में लग जा बैठा था। हमारे पितामह आए और उन्होंने चुटके से मेरा हाथ पकड़ के पीछे को घसीट लिया और घसीट के दो चपत मारा कर। कितना बुरा लगा होगा हमको आप सोच सकते हैं रोया। लेकिन अब मालूम पड़ता है कि हमेशा के लिए कुएं में पांव लटकाने से उन्होंने बोला कुएं में पांव लटका के बैठना कितना खतरनाक है। तो बोलो नारायण ये जो शास्त्रों में जो बात कही हुई है उसका एक दृष्टिकोण होता है और खास तरह से वो कही जाती है। साधु को क्या करना क्या नहीं करना, गृहस्थ को क्या करना क्या नहीं करना, ब्रह्मचारी को क्या करना क्या नहीं करना, वो मालूम नहीं पड़ता है तुरंत कि उसमें क्या लाभ है। ये जो शास्त्रों में बीते संबद्ध 87 है, 87,000 वर्ष तक शंकर जी ने समाधि लगाई। आप भला बताओ शंकर जी की आयु में 87,000 वर्ष 87 सेकेंड के बराबर भी नहीं है, 87 सेकेंड के बराबर भी नहीं है। तो उसको समझने के लिए एक दृष्टिकोण चाहिए। बहुत मारवाड़ी भाई है, वो कहते हैं कि मेरे को बहुत सारे प्रश्न खड़े हुए, कृपा करके उसका समाधान करिए। एक तो ये कहते हैं कि आज तो समाज में सती प्रथा चल रहा है, यह बंद स्थिति या हो वेद वेद का अनुसरण है या धर्म का अनुसरण है या नहीं है, उसके ऊपर जो प्रकार देखो भाई संयम सती प्रथा का इनका अभिप्राय पति के साथ जल मरने का है या जीवन में सतीत्व के पालन से है। तो जल मरने वाली प्रथा तो अभिप्राय नहीं है और कहीं कहीं जो सुनने में आता है उसमें अनेक बार तो बहुत गड़बड़ी मिलती है। कई लोग तो उसको हक हिस्सा न देना पड़े, गुरुदेव जेठ हिस्सेदार जो होते हैं वो झूठ मूठ की सती बना देते हैं। तो उस प्रसंग को तो छोड़ रहे हैं। अच्छा जीवन में सतीत्व जो है वो संयम है और बहुत उच्च कोटि की वस्तु है। एक स्त्री को सती रहना चाहिए और एक पुरुष को एक पत्नी प्रति रहना चाहिए, जैसा कि रामचंद्र का वर्णन श्रीमद् भागवत में है और रामचंद्र भगवान का वर्णन है एक पत्नी व्रता श्रीमान। रामचंद्र के जीवन में एक पत्नी व्रत रहा अक्षुण रहा। तो ये जो भोग का विस्तार है उसको समर्थन तो हम लोग नहीं दे सकते और दिलवाना नहीं चाहिए, है ना। हम तो संयम संयम बताने वाले हैं और उसमें नारायण अगर कोई त्रुटि होती हो तो कैसे उसका पालन करना चाहिए। इसलिए स्त्री भी संयम से रहे, पुरुष भी संयम से रहे, सतपतिव्रता सती धर्म
बहुत उत्तम कोटि का धर्म है। अब रही बात ये कि यदि उसका पालन रसक हो सकता हो, चित्त में बड़ी वासना हो, तो अनेक पुरुषों से संबंध बने, इसकी अपेक्षा ये है कि जानबूझ करके एक के साथ विवाह कर लिया जाए और जीवन भर उसका निर्वाह किया जाए। और वो मरने जलने वाली सती प्रथा से यदि आपका मतलब हो, तो अब कहीं कहीं अखबारों में ही सुनने को मिलता है और आपको कहीं देखने को भी मिल गया होगा संयोग से, तो वो कोई देखने लायक बात नहीं है। जीवन भर रहकर संयम पालन करने में जो आनंद है, मरना तो भय के कारण है, है? और जीवन भर संयम का जो पालन है वो बहुत बड़ी तपस्या है। एक नारायण विक्टोरिया का जब राज्य था यहाँ, तो एक राजा साहब की मृत्यु हो गई थी, बंगाल के थे नारायण। उनके यहाँ विक्टोरिया ने रानी के पास अपना दूत भेजा उनकी सांत्वना के लिए, ना उनको भूल गया है। तो देखा उन्होंने रानी को दबा, तो उनको मालूम नहीं विलायत से आए हुए अंग्रेज थे। उन्होंने रानी से कहा कि तुम ऐसे चटाई बिछा के नीचे बैठी हो, सफेद कपड़ा पहन के बाल बुड़वा लिया नारायण, अब चावल खाना छोड़ दिया, तो ऐसा क्यों करती हो, तो दूसरा विवाह क्यों नहीं कर लेते हो। उसके बाद महाराज उस रानी ने खाना पीना छोड़ दिया, अनशन कर दिया। लोगों ने पूछा ये क्या, बोले कि मेरे सतीत्व में कहीं न कहीं कोई त्रुटि है। तब इस आदमी के मन में ये बात आई और हिम्मत पड़ी कि मेरे सामने दूसरा विवाह करने के लिए कह दे, अब मैं ये शरीर नहीं रखूंगी, मर जाऊंगी। फिर महाराज डॉक्टर साहब ने ये खबर विक्टोरिया के पास भेजी और वहां से उस आदमी ने लौट के क्षमा मांगी कि हमको हिंदू नारी हिंदू सती के महत्व का इतना पता नहीं था, इसलिए मैंने गलती से कह दिया। तो भाई मेरे, एक पुरुष के प्रति अनन्य जीवन व्यतीत करना स्त्री के लिए, ये तो मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग है। पुरुष को सारा धर्म पालन करने से और ईश्वर का ज्ञान प्राप्त करने से जो कुछ मिलता है, स्त्री को केवल अपने सतीत्व के पालन से ही उसकी प्राप्ति हो जाती है। और हम सभी जन के समय ऐसी स्थिति आती है, एक तरफ तो हम पूर्ण भौतिक उपलब्धियां चाहते हैं और दूसरी ओर प्रवाह में भी अग्रसर होना चाहते हैं। प्रश्न है, एक दिशा मार्ग है लौकिक उपयोग का, अर्थात धन वैभव मान सम्मान यश कीर्ति उत्तम वाहन पुत्र और सुख संपत्ता आदि, और दूसरी तरफ मार्ग है आध्यात्मिक उन्नति का, इस प्रकार की श्रेष्ठ और प्रेम के द्वंद में मनुष्य किस प्रकार परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, कृपया आप समझाइए। हमारा जो परमेश्वर है वो लौकिक प्रवृत्ति को छोड़कर कहीं अलग रखता हो रहे साधन दूसरे दूसरे मजाकों में जो परमात्मा को मानते हैं, वो ऐसा मानते हैं कि परमात्मा कहीं सातवें आसमान में या निराकार है। हमारा जो परमात्मा है वो तो सारे विश्व के रूप में प्रकट हुआ है, धन संपदा भी वही है, पुत्र पौत्रादि भी वही है, ये संपूर्ण पृथ्वी जल अग्नि आकाश
नहीं है। वासुदेव सर्वमिति सब आत्मा सुदुर्लभ, जिसने सर्वरूप में परमेश्वर को पहचान लिया वो महात्मा को दुर्लभ। इसलिए ये समझना कि जिसकी लौकिक उन्नति होगी उसको परमेश्वर की प्राप्ति नहीं होगी, या जिसको परमेश्वर की प्राप्ति होगी उसकी लौकिक उन्नति नहीं होगी, ऐसा समझना आप निश्चित करें। अब राजा अम्बरीश थे, वो तो सप्तर्षि गौतम जी के एक छत्र सम्राट थे और भगवान के परम भक्त थे, तो उनकी रक्षा के लिए वो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को चुना था। तो यदि राज्य में और भौतिक संपत्ति में विरोध होता तो मनीष को तो भगवान करते ही प्रहलाद हुए। हिरण्यकश्यपों के मरने के बाद प्रहलाद राजा, जब हिरण्यकश्यप मर गया तो भगवान ने सोचा कि ये हमारा परम भक्त प्रहलाद हिरण्यकश्यप की बैठी हुई चूठी गद्दी पर बैठे वो अच्छा नहीं लगे, हमारा भक्त एक असुर की झूठी गद्दी पर बैठे तो महाराज जाके स्वयं बन गए। नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप की गद्दी पर बैठे उसको प्रसाद बना ले। जब प्रहलाद आए स्तुति करने लगे सो महाराज खड़ा नरसिंह भगवान का, प्रहलाद को देखते ही पानी पानी हो गया, मुख सऊंग हो गया, आंखों में आंसू आ गए और वही नाखून वाला हाथ वही चाड़ वाला मुख। प्रहलाद को दोनों हाथ से दूर में उठाया, बोले बेटा माफ करना, कहा तुम्हारी 5 बरस की उम्र, कहा इतना सुकुमार शरीर और कहा इस दुष्ट ने इतनी यातना दी, मेरे आने में देर लग गई, सो तुम क्षमा करना, क्षमतव्य मंग समय यदि मैं विलंबा स्वयं को मनो भक्त से कि नहीं। कितना वैभव है उनके पास, वैभस्वत मनो भक्त थे कि नहीं। ध्रुव प्रियव्रत राजा प्रियव्रत जिन्होंने 7 समुद्र बनाए, हम प्रसन्न होते हैं तो धन सम्पदा भी देते हैं ध्रुव को। तो सो महाराज अगर ये बात तुम लोगों के मन में बैठाओगे कि संसार लौकिक संपत्ति में और भगवान की प्राप्ति में कोई विरोध है, कोई तफावत है, कोई फर्क है, कोई डिफरेंस है, तो जो लोग थोड़ी बहुत भक्ति करते हैं वे भी भक्ति करना छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें तो धन संपदा चाहिए, तो धन संपदा वालों को भी भगवान मिलते हैं। और बम्बई में भी ऐसे लोग हुए हैं और होंगे जिनके ऊपर भगवान की कृपा रही है, और देश विदेश में सर्वत्र यदि हास्ती तदमुत्र जो यहाँ है वही वहाँ है, यदमुत्र तदन्वेह। ये धन संपदा लौकिक संपत्ति ये जात मान प्रतिष्ठा ये सब तो भगवान की एक प्रकार की कृपा है जो मिलती है। सो सब में भगवान की कृपा है और धन संपदा में भी भगवान को देखो और धरती को नमस्कार करो। कभी जमीन कुछ मिल जाए तो पहले उसको प्रणाम करो, तो ये भगवान की अचल संपदा है, भगवान की पत्नी है। जब चल संपदा कुछ घर में आवे रुपया पैसा जेवर, अरे ये तो लक्ष्मी का विलास है, भगवान की घरवाली हमारी माँ आई है,
लक्ष्मी तो माँ है, उसको भोग में नहीं समझना कि हमारी कोई यारी नाई है कि दोस्ती नाई है, ऐसे नहीं समझना, उसको माँ समझना। बता लक्ष्मी की सेवा की जाती है, वह जल संपदा की स्वामिनी है। तो आप ये बात बिल्कुल अपने मन से निकाल दो कि भगवान का भजन करने में संसार बाधक है। एक बार हम लोग पांडिचेरी गए, 5-7 पंडित और महाराज घनघोर शास्त्रार्थ करने की मूड में गए कि हम लोग वहाँ पराजित कर देंगे। तो बाद विवाद सन 38 में गए, पंडित राम नारायण शास्त्री थे, पंडित रमाकांत त्रिपाठी थे, सनातन देव जी थे उस समय महिला जी। तो ये हुआ कि ये धरती सिद्ध हो जाएगी, इस पर स्वर्ग उतर आवेगा, ये कैसे हो सकता है? दिलीप कुमार जी थे जिन्होंने बाद में आके पूना में वो हिंदू धर्म के साथ अपना आश्रम जोड़ा, वहाँ सरकारी शास्त्र थे, अम्बालाल पुरानी थे, स्वामी जोगानंद थे, हरिद्वार राय थे, हम लोगों ने साथ से भेड़ के साथ प्राप्त किया, स्वर्ग नहीं हो सकता। फिर नन्नी कांत से बदला हुआ, नन्नी कांत से तो उन्होंने कहा अच्छा हम जोगी अरविंद से ही पूछ के इस प्रश्न का उत्तर देते हैं, उन्होंने थे जोगी जी तो उनके पास मिल तो सकते नहीं थे, मिलने का दिल नहीं था। तो जोगी अरविंद के सामने जब हम लोगों का प्रश्न गया, दृष्टि नहीं बदलती है, दृष्टि बदलती है, हमको मान्य था ये बात और हम लोगों ने मान ली कि ठीक है दृष्टि बदलती है, तो धन संपदा नहीं बदलती है, उसके बारे में संसारी लोगों का जो दृष्टिकोण है वो बदल जाता है, वो अपनी समझ के संसारी संपत्ति का उपभोग या उपयोग करते हैं वो संसारी लोग, और जो भगवान का प्रसाद समझ करके, भगवान की दी हुई संपत्ति समझ करके जो उसका उपयोग करते हैं, ये कैसे हो सकता है? भोजन करें जो ऐसे लोग हैं वो घर गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान के भक्त हो सकते हैं? आप कोई शंका मत कीजिए, खूब प्रेम से भक्ति कीजिए, हम तो कहते हैं भगवान आपको और धन संपदा दे। नारायण हमने तो ऐसे भक्तों को देखा है जो बड़े भक्त थे महाराज और संपदा, उनके पास बहुत चिड़ावा में एक भक्त थे, राजस्थान में चिड़ावा, वो पता लगाया करते थे कि किसके घर में कमी है, भक्त थे भगवान। एक पंडित जी थे वहाँ, वो किसी से कोई प्रतिज्ञा नहीं देते थे, जो घर में स्वाभाविक होता उसी से अपना काम चला। तो उन्होंने देखा कि इनके घर में तो खाने पीने की तकलीफ रहती है, तो महाराज अपनी पत्नी को सिखा दिया उन्होंने, वो दही जमाते और उसमें दही में 2-4 गिन्नी सोने की डाल देती, जब दही जम जाता तो वो पंडित जी के पास ले जाते, तो पंडित जी दही स्वीकार करते। अब वो दही वो तो खोल के देखते नहीं कि उसमें क्या है, जब घर में जाता पंडितानी खोलती उसको, दही निकालती तो उसमें से गिन्नी निकलती, तो पंडितानी फिर उसको काम में लेती। तो वे बड़े भक्त थे, हमने भाई जी के पास देखा, भाई जी बड़े भक्त थे, वो उनके हृदय में हनुमान प्रसाद जी के हृदय में बड़ी भक्ति थी, वो जब किसी गरीब को देखते तो उनको ऐसा लगता कि जैसे इसका कर्ज मेरे ऊपर है चुकाना चाहिए,
ऐसा उनका भाव था और कोई मना कर दे कि नहीं तुमको तो जरूरत नहीं है, नहीं लेंगे, बोले तुमको जरूरत नहीं हुआ तो फिर नहीं है तो क्या, तुम्हारी पत्नी को जरूरत है, तुम्हारी बेटी को जरूरत है, तुम उनकी ओर से इनकार करने वाले कौन होते हैं, हम उनको देते हैं नारायण। और उनके पास तो बहुत कुछ देने का नहीं था, लोगों ने कह रखा था कि यदि कोई ऐसा आदमी योग्य आवे तो उसको देना, तो वो नारायण लोगों को इतनी उदारता से देते थे, इसी युग में तो हुए है ना नारायण, उनकी भगवान की भक्ति तो हमने अपनी आंखों से देखी हुई है। शेख जयदयाल जी गोयनका वो तो उनको जो कहते हैं वो स्वयं ही भक्त नहीं थे, वो तो दूसरों को सैकड़ों को उन्होंने भक्त बना दिया, तो अपने चादर में चतुर्भुज दिखा देते थे, तो उनका एक व्याख्यान था वो चादर में चतुर्भुज दिखा देते थे। हमने था मासुरी में उनके पास बहुत संपदा थी, उन दिनों में 50 लाख की संपदा उनके पास थी जब मैं वहाँ था, और भगवान के बड़े भक्त, भगवान का दर्शन किया हुआ। उन्हीं दिनों में मेरी लड़की की शादी पड़ी, तो मैं बांकुड़ा से गांव आने वाला था, तो बुला के बोले से बोले पंडित जी ये है हमारी बर्तनों की दुकान, हरकिशन दास जी देखते थे उनके भाई, बोले आप इस दुकान में घुस जाइए और आपको जितना भी ठीक लगे उतना उठा के बर्तन एक तरफ करवा दीजिए, हम पहुंचा देंगे आपके घर पर। मैंने लिया तो बहुत थोड़ा, लेकिन उनकी उदारता देखो, उनकी उदारता ये थी कि हमारी दुकान ये आप इसमें घुस जाइए और जितना आपको ले जाना हो एक तरफ छाप के रखवा दीजिए, हम आपके यहाँ भिजवा देते हैं। तो नारायण धनी भी धनी होते हैं, वो संपदा को भगवान की समझते हैं, और नारायण बड़ी बड़ी उदारता से उसको भगवान की सेवा में लगाते हैं। यदि ये प्रश्न करने वाले धनी सज्जन हो तो उनको अपनी संपत्ति भगवान की समझ कर उदारता से उनका वितरण करना चाहिए, ये नहीं समझना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति नहीं कर सकते। महाराज जी एक भाई वासना और कामना के बीच में भेद समझते हैं, वासना और कामना, वो कहते हैं कि इनमें आपस में क्या संबंध है और इनका कैसे नाश हो सकता है और इसका नाश का क्या होता है और ताकि परमात्मा की प्राप्ति प्राप्त हो। बहुत बढ़िया, असल में वासना संस्कार से होती है, जन्म जन्म के संस्कार भी उसमें जो हमारे हृदय में रहते हैं, 7 प्रकार के संस्कार आते हैं, अपने पूर्व जन्म के कर्म से आते हैं, गर्भ में रहने पर माता पिता की जैसी वासना होती है उससे संस्कार आते हैं, और जैसा खाना पीना माता का होता है उससे संस्कार बनते हैं। देखो आप लोगों ने सुना होगा कि गर्भ में बच्चा हो और माता जो खाना चाहती हो वो उसको ना मिले, तो बच्चा होने पर उसके मुंह में से पानी गिरता है, और माँ को खूब क्रोध आवे तो बच्चा भी पैदा होगा तो क्रोध ही होगा, माता रोती रहे तो बच्चा भी रोने वाला होगा। अच्छा उधर नाना नानी का घर है, उधर दादा दादी का घर है, और फिर पैदा होने के बाद जैसा संग मिलता है, जैसी शिक्षा मिलती है, उसका संस्कार अंतकरण पर पड़ता है, और उसी से नारायण वासनाएं उदय होती है। तो कई वासनाएं तो ऐसी होती हैं जिनमें स्वाद नहीं होता है, निर्बल, तो उनकी पूर्ति तो स्वप्न में ही हो जाती है, उनको जागृत में आने की जरूरत नहीं पड़ती है, परंतु कई वासनाएं प्रबल होती हैं तो वो जागृत में भी
आते हुए, और नारायण ये काम जो है ये रहता तो संस्कार के रूप में है, परंतु जिस चीज को हम अच्छी समझते हैं ना, संकल्प करते हैं, सम्यक्त्व की कल्पना, ये चीज बहुत बढ़िया है, हमको मिलना चाहिए, इसमें सुख है, ये हमको मिलेगा, ये चीज हमको मिलेगी तो हमको बहुत सुख होगा, और सम्यक्त्व की कल्पना से मन में काम का उदय होता है। काम केवल स्त्री पुरुष का ही नहीं होता, धन का भी होता है, प्रतिष्ठा का भी है, कामान जब काम है ते मन्य मान स काम फिर जाए ते तत्र तत्र, ये आदमी भटकता क्यों है, काम के वश में होकर भटकता है, अमेरिका में जाएंगे तो हमको ये मिलेगा, नारायण चाइना जाएंगे तो ये मिलेगा, रशिया जाएंगे तो ये मिलेगा, ये जो दुनिया में ये व्यापार करेंगे तो ये लाभ होगा। कामना जो है वो हमारे जीवन को संचालित करती रहती है। तो नारायण ये कामना सर्व विषय होती है और वासना थोड़ी स्थूल होकर के अपने मन में आती है, संस्कार बीज रूप से रहते हैं, कामना अंकुर रूप से आती है, और वासना जो है वो जरा पतली होके आती है, गहती हुई, उसकी तो शरीर में से गंध निकलती है, जैसे कोई प्याज लहसुन खा के आता है तो हम लोगों को उसके सांस में उसकी सांस में गंध मालूम पड़ती है, और ज्यादा लहसुन खाने वाला हो तो दूर से उसके शरीर में से ही गंध